करने बेटे हो जा शुरू घुमाके इन्हें हजार चंद देंगे हम जंग के टक्कर जब तक है हम दम नहीं पीछे हटेंगे हम बेटे बेटे हो जा शुरू बेटे बेटे हो जा शुरू निकाला तू प्लेस सिखाओ मुद्दा कर जीता की हासिल तुम्हारो नहीं पिछली बार बेब्लेड में बैटल ब्लेडर्स की अगली लड़ाई के लिए आगे बढ़ने वाले कंपेटिटर्स हैं रेजी अपने बे पॉइजन सर्पेंट के साथ और केंटा अपने बे फ्लेम सैजिटेरियो के साथ। टोक्यो स्टेडियम की भीड़ हैरत भरी नजरों से देखती है जब केंटा और रेजी के बीच घमासान लड़ाई होती है। रेजी का सर्पेंट ताकतवर और खतरनाक है और केंटा और सैजिटेरियो को बहुत जल्द उसकी लगातार कसने वाली पूंछ से बचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब लगता है कि केंटा के लिए सब कुछ खत्म हो गया है तब उसे अपने पुराने दुश्मन यू से प्रेरणा मिलती है और केंटा सैजिटेरियो को हुक्म देता है कि वो बस एक बार और पॉइजन सर्पेंट पर वार करे। आखिर में केंटा की हार हो जाती है मगर वो चारों ओर बेब्लेड क्लांस का दिल और उनकी इज्जत जीत लेता है। बैटल ब्लेडर्स का दूसरा राउंड बस अभी खत्म हुआ है लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए देखते हैं कौन से ब्लेडर्स अब तक सेमीफाइनल्स में पहुंचे हैं। पहले हमारे पास है जी योया और उसके बाद है जेंगा। तीसरे मैच का विनर है और कोई नहीं बल्कि वो जिसने अपने लगातार हमलों से केंटा पर बर्स्ट किया और जिसका नाम है रेजी। अब सवाल है टॉप फोर में जाने वाला आखिरी लीडर कौन है? क्या जीत होगी वाइट ईगल की जिसका स्टेडियम है आसमान सुपाता या फिर बोर्ड लीडर जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है तबाही का स्पैगन गायोगा? तो कहीं मत जाइएगा बेफैन क्योंकि ये लड़ाई शुरू होने वाली है। रायुगा के खिलाफ जीतने के लिए मुझे उसके डार्क मूव को ब्लॉक करना होगा। डार्क मूव ड्रैगन एम्परर सोरिंग फाइट स्ट्राइक। जब एल ड्रैगो अपना डार्क मूव खेलता है उसका फ्यूजन भी अपर मोड में बदलता है। ईगल का टॉल स्पिन ट्रैक नीचे से होने वाले हमलों को रोकने में माहिर है। अगर मैं काउंटर स्टैंड को कामयाबी से इस्तेमाल कर सका तो ही एल्ड्रैगो को रोक सकूंगा। सवाल ये है कि क्या ईगल उसके पावर को बर्दाश्त कर पाएगा? हाँ करना ही होगा। अगर मैं बस उसके डार्क मूव को ब्लॉक कर सका तो शायद मैं जीत सकूं। अब तुम्हें ही सब कुछ करना होगा ईगल। Hmm.
यकीन नहीं होता कि इस लड़ाई में मीर जगत तुम लड़ रहे हो। इस टूर्नामेंट में तय होगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर ब्लेडर कौन है। उसे जरा भी ढील मत देना, रायुगा और रॉयल ड्रैगन को कुचल दो, समझे? क्यों यार, तुम्हें इस सबसे क्या? मैंने कहा था ना, मैं सेमीफाइनल्स का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, इसलिए बहुत जरूर आना। हाँ, मुझे तुम्हारी ये बात याद है, मेरी जगह जाने मत देना, मैं वहाँ आ जाऊंगा, ये मेरा पक्का वादा है। देख लेना, मैं वहाँ हर हाल में जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि एक असली ब्लेडर होने का यही मतलब है। देखिए आ गया, ये वही है जिसकी बांस जैसी नजर है, सुबासा।
जब मैंने डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन में रायुगा से लड़ाई की थी, मैंने अपने मूव खेलते वक्त एक गलती कर दी। ड्रैगो के पावर को मैच करने के लिए मैंने फौरन अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल किया, जिसके बाद मेरा सारा पावर खत्म हो गया था। मैं घबरा गया और अपना बेस्ट टैक्टिक इस्तेमाल किया, द काउंटर अटैक, और फिर उसने अपना डार्क मूव इस्तेमाल किया। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मेरे पास बस एक मौका है जिस पल वो अपना डार्क मूव खेलेगा। तब तक भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। मुझे अपनी ताकत बचाकर उसे एक ही हमले में डालना होगा। कहाँ चल क्या रहा है? इस पूरे मैच में ईगल तो बस भाग ही रहा है। अरे यार, ये बैटल लेडर है। अब मत सुनो, लड़ते रहो। एल ड्रैगो ऐसा अपने चाहिए जिससे आसानी से जीता जा सके। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, दूसरों की बातों पर नहीं। अपने आप पर भरोसा करते रहो और सही वक्त आने पर अटैक करके उस पर सीधा वार करो। तो ये है तुम्हारा प्लान? बहुत अकलमंद बनने की कोशिश कर रहे हो। यकीन नहीं होता, एल ड्रैगो स्टेडियम के बीचों बीच अपनी जगह बनाए खड़ा है। क्या रायुगा ये लड़ाई आराम से खेलना चाहता है? मैं दिन भर नहीं रुकने वाला। तुम कोई ईगल नहीं बल्कि चूजे हो। रुकिए दोस्तों, एक तूफान आने वाला है। जंगल में फंस गए तो सब कुछ खत्म। आ उड़ो ईगल। हाँ, पुराना पैंतरा इस्तेमाल करो। अगर हवा की बात है तो ईगल सबसे आगे है। तो तुम्हें कोई और हुनर नहीं आता है? रायुगा शुरू करो। अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी। वक्त हो गया। हो? अब जरा इससे मुकाबला करो। डार्क मूव। तो ठीक है ईगल। ड्रैगन एम्परर सोरिंग फाइट फ्लाइट। एल ड्रैगो के डार्क मूव को रोका और जोरदार पलटवार किया। इस पल तक एल ड्रैगो ने हमें
आखिरी मूव के साथ फैसला करूंगा। स्पेशल मूव ईगल मेटल विंग स्मैश। आखिरकार सुभाषा का स्पेशल मूव एक अनोखे अंदाज में आगे बढ़ता है। क्या इससे फैसला हो जाएगा? बिल्कुल। आप कैसे बचोगे? मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना लड़ पाएगा। अच्छा है ड्रैगन एम्परर सोरिंग बाइक स्ट्राइक इस तरह नहीं हार सकता। कोई फायदा नहीं। ड्रैगन बहुत खतरनाक है। ध्यान से, ये बस एक चाल है। दूर है ना सुभाषा? क्या यही खत्म? मैं मानता हूँ कि तुमने अब तक मुझसे और एल ड्रैगन से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें सच में बहुत मजा आया, लेकिन अब वो सब खेल खत्म। ऐसा भी पल आता है जिसमें उम्मीद की किरण नजर आती है कि वो जीतेंगे, पर वो पूरी तरह हार जाते हैं। ऐसे इवेंट में हारने की बात जो शर्मिंदगी होती है वो बताने लायक नहीं होती। ओ हाँ बिल्कुल, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। उसे भी ये शर्मिंदगी महसूस करानी होगी। हाँ डार्क नेबुला इतने भी बड़े दिल वाला नहीं है कि एक धोखेबाज को सजा ना दे। बिल्कुल नहीं।